क्या कह रही है? कछु नहीं कह रही, तुम चुप रहो, तुम बिल्कुल मत बोलो, अरे आपस में लड़ पा रहे हो। किसी की हो अच्छी है, अच्छी आई है, जाए थोड़ी तोड़ तोड़ के बेची जा रहे हैं। वो कहाँ गया था? वो मक्कड़ जी कहाँ गए थे? उन्होंने हमारे लिए क्या करा? बताओ हमें, बताओ बताओ, हमने जिताया, बताओ उनको, बताओ उन्होंने इनको क्वार्टर ढूंढ के दिया, हमें छोड़ दिया। हम उनको तैयार है, नहीं तो हम मर जाएंगे यहाँ पर, हम तो मरने के लिए तैयार है। ये लीडर लोगों से एक साल पहले ये बात की गई थी, डेढ़ किला जमीन तुम्हें देते हैं, लिंच मारो तुम्हें जगह उठवाते मिल जाए तो अपने सबको मंजूर है ना। अच्छा नंबर दो, हेलो नंबर दो, इसके बाद कोई बात होती है? जहाँ मर्जी देते मेन गेट है। तीर गैस अगे आओ, सुनता तो नहीं तीर गैस आओ, मिर्चा पानी लिया रखो। अपना खड़ा कर।
तोड़ देंगे सीमेंट की चले तो तोड़ देंगे और उन्हें तोड़ देना यार खबर आदि हैं 100-15 मिनट तक वो चलती खबर है ये साडा अपना लगे रेल रोक लो अभी लिक्विडेटर से बात की है लिक्विडेटर वो मारने को तैयार ही नहीं है वो कहता चंडीगढ़ आ जाओ जी बताओ ये कार्रवाई है तो होने दो कर ले पर पहले की करिए इधर खड़े नहीं जेकर मकान तो समान ना कटोगे या इतना ना जाओगे तो कानून अनुसार आपको इतना हटा दिया जाएगा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अज बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मानयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मों की पालना करते हुए मानयोग डीसा वालों मेरे इतने ड्यूटी लाई गई है मेहंदी मैक्स कंपनी को जो लिक्विडेटर वालों कब्जा दवाया जा रहा है मौके पर घटना ना अनसुखावी घटना ना वापरे लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते असी यह काम पीसफुल चला रहे हैं कोई इतने घटना नहीं वापरी यह जी सारी पार्टियों सारे धरियां समझा बुझा के बहुत कोशिश की थी है कि आप ऐसे कोई झगड़ा नहीं होना कोई गलत कार्रवाई कोई गलत असर ना कोई इस आ गई दखल ना दे पैसे मिलाने जी कत्ते हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया मालिक को पुलिस आ गई
दबा दी सारा सामान हमारा, आधा तो उसमें दब गया आधा बाहर निकला। लिक्विड लाए हैं वो बोलते हैं पैसे हम देंगे। अरे कब दोगे, घर उजाड़ दिए पहले और पैसे अब दोगे? अरे पैसे देंगे कब देंगे, यहाँ तो भूखे मरे अब हम। आखिर किराया पैसा होगा तभी ना किसी मकान लेंगे किराया पे, चाहे कहीं जाके सेट करेंगे रहेंगे। कोई सुनवाई नहीं है जी, गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को यहाँ तो कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, जो हम आखिर बैठ जावे जाएंगे। बताओ क्या करें क्या ना करें, ना कुछ दिलाया ना कुछ किया है, है? सारा है ही सामान, जो पैसा टका तो सब है ही पड़ा है गो। बताओ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बारे बारे बच्चा लेके जाना, घर ना मड़ैया, सियाने सियाने बच्चे हैंगे, अपनी लड़कियाँ भी कहाँ जाएंगे, दूसरे के घर में कहाँ बैठा रहेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा नाम जय सिंह है, मैं मिल कलोनी में रहता हूँ। आज से 22 साल पहले काम कर रहा था, 22 साल से काम किया, जिसमें हमारा 1.25 लाख रुपए बनते थे, उसमें 70,000 रुपए दिए हैं। मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने आके बिल्कुल बेलडोजर चला दिया है, हमारे सामान सारा टूट गया है और हम लोगों के भी चोट आई हैगी। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। कोई मेरे ये पूछने नहीं आया है कि आप कैसे हैं, क्या है, क्या हो रहा है, मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा है। और हमारे ही साथी ऐसे हैं, हमारे साथी क्या चंडीगढ़ वाले भी बिके हुए पड़े हैंगे।